तो भारत न्याय यात्रा से पहले राहुल गांधी ने आज हरियाणा की यात्रा की। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ हल्ला बोल रहे पहलवानों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह पहलवानों से मिलने वो हरियाणा के झज्जर पहुंचे। राहुल गांधी बजरंग पुनिया से मिलने बहादुरगढ़ के वीरेंद्र आर्य अखाड़े पहुंचे। राहुल ने अखाड़े में कुश्ती के दाव पेच भी सीखे। आपको जानकारी दे दें कि बहादुरगढ़ का ये छारा गांव ओलंपियन पहलवान दीपक पुनिया का गांव है। दीपक और बजरंग पुनिया ने इसी वीरेंद्र अखाड़े से अपनी कुश्ती की शुरुआत की थी। राहुल ने यहां काफी देर तक वक्त बिताया। ब्रजभूषण सिंह मामले पर पहलवानों के साथ बातचीत भी राहुल गांधी ने की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी अखाड़े में राहुल गांधी पहुंचे जहां पर दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया ने अपनी तैयारी की है। 5 दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी पहलवानों से मुलाकात की थी। प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के संन्यास और बजरंग पुनिया के पद्मश्री अवार्ड लौटाने के बाद उनसे मिलने पहुंची थी। और अब प्रियंका के बाद राहुल गांधी भी पहलवानों से मिलने उनके गांव पहुंचे हैं, उनके अखाड़े पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल और प्रियंका के इस सियासी दाव के मायने क्या हैं? क्या वो पहलवानों के जरिए 24 के दंगल को जीतने का रास्ता बना रहे हैं? देखिए, इसे 24 से जोड़कर तो देखा जाएगा, लेकिन पहलवान ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल के सहारे की जरूरत नहीं है। वो अपने इस प्रदर्शन को, अपनी इस लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनाना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने ब्रजभूषण को लेकर बजरंग पुनिया से क्या बातचीत की, अखाड़े के कोच ने क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाए थे उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने, एक्सरसाइज की बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो, जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें, जो आज के जो प्रकरण पर भी बात, उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी? क्या कब बताया आप लोगों ने, क्या कहा, गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ था पहले। तो फिर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने भाई उनके हाथ में क्या है, हाथ में तो सरकार के में। तो आपने पहलवानों को भी सुना, इसके साथ ही साथ आपने कोच को भी सुना। राहुल गांधी उनके बीच में गए, अखाड़े में वक्त बिताया, बजरंग पुनिया के साथ बकायदा रेसलिंग के दाव पेच भी आजमाते हुए राहुल गांधी नजर आए। बजरंग पुनिया ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ इतना भर था कि वो पहलवानों के जीवन को समझ सकें, उनके संघर्ष को समझ सकें, देख सकें कि वो अखाड़े में कितनी मेहनत करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं। वहीं अगर आप कोच को सुनेंगे तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई कहां तक पहुंची है, सरकार का कितना समर्थन मिल रहा है और कितना समर्थन नहीं मिल रहा है। तो पहलवानों को लेकर जिस तरीके की जंग छिड़ी हुई है, पहलवान अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह पर शिकंजा कब कसा जाएगा, यह पहलवानों की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं। राजनीतिक द्वेष के तहत पहलवानों को के तरफ से कहा जाता है कि राजनीतिक द्वेष के तहत ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाल ही के दिनों में खेल मंत्रालय के एक फैसले ने साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है जो सिस्टम को चुनौती दे सके। पूरे के पूरे WFI को भंग कर दिया गया खेल मंत्रालय की तरफ से।